Hello everyone, today we will be discussing about skeleton system. In previous video we have discussed about structure of muscle fiber, actin and myosin filament and their mechanism during muscle contraction. Now we will see what is skeleton system. Imagine कीजिए कि अगर human body में skeleton system नहीं होता तो किस तरह का frame होता. देखिए जो skeleton system है इट कंजिस्ट बोन्स एंड कार्टिलेज एंड यू नो यू हैव रेड इन अर्लियर क्लासेस व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इन इनफैक्ट इट इज 300 बिकॉज सम बोन्स आर कार्टिलेजियस एंड इन मैच्योर ह्यूमन बॉडी कंजिस्ट 206 bones. In this skeleton system topic, we will see the distribution of bones in our body. So, what is the role of a skeleton system? It provides framework to our body and it helps in movement. कि हमारी body move कर रही है, तो वो bones की help से कर रही है. Skeleton system is divided into 3 parts. Axial part, appendicular and associated bones. What is the meaning of appendicular and axial? देखिए suppose एक human body है इस तरह से, इसमें जो limbs होंगे, ये limbs मतलब ये जो है hands हैं और लेग्स हैं, ये तो किसमें आएंगे, ये एक अपेंडिक्स है. तो इनमें जो बोन्स प्रेजेंट होती है वो किसमें हम पढ़ेंगे, अपेंडिकुलर में. एंड रिमेनिंग पार्ट विल बिकम इनटू एक्सियल, क्लियर. एंड दीज बोन्स आर अटैच विद एसोसिएटेड बोन्स. सो फर्स्ट वी विल सी अपेंडिकुलर्स. अपेंडिकुलर्स में लिम्स के बोन्स आएंगे. लिम्स मीन्स इनके हैंड्स और लेग्स. जो हैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोर लिम्स. एंड लेग्स आर हिंड या हाइंड लिम्स, क्लियर. तो पहले हम देखते हैं इसको, हम टू पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं. टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम नेम देंगे, एक तो लिम्ब बोन्स. और लिम्ब बोन्स जो एक्सियल से अटैच होंगे दे आर कॉल्ड एज गर्डल्स. सपोज जैसे हैंड जो लिम्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फोर लिम्स. अब फोर लिम्स जो है वो शोल्डर से अटैच होगी तो शोल्डर वाली बोन्स को हम कहेंगे गर्डल, ठीक है. तो पहले हम देखते हैं फोर लिम्स. अगर इनका नंबर देखें तो अपेंडिकुलर बोन्स होती है नंबर में 126. इनका नंबर है 126. सबसे पहले लिम्ब बोन्स में हम कौन सी पढ़ेंगे, फोर लिम्ब्स. और लेग्स की लिम्ब, लेग्स की जो बोन होती है उन्हें बोलते हैं हिंड लिम्ब्स. फोर लिम्ब्स का भी नंबर कितना है, 60. यानी वन हैंड में 30 बोन्स होती हैं और बोथ हैंड्स की मिला के कितनी हो गई, 60. इस तरह से वन लेग में भी 30 बोन्स होती हैं और दोनों लेग्स की मिला के हो गई 60. तो 60 और 60 तो यही हो गए 120. इट मीन्स गर्डल्स जो होती हैं वो कितनी रह गई हैं, 6 बोन्स. अब गर्डल में भी क्या आएगा, देखिए गर्डल जो है फोर लिम्स किससे अटैच होगा, शोल्डर से. तो एक गर्डल तो हो गया शोल्डर बोन. और हिंड लिम्स जो अटैच होंगी वो होंगी हिप बोन से, जिसे हम बोलते हैं पेल्विक, ठीक है. तो यहाँ पे हम पेल्विक वर्ड भी लिख सकते हैं. शोल्डर बोन को कहते हैं पेक्टोरल एंड हिप बोन को कहेंगे पेल्विक बोन, क्लियर. तो ये हो गए अपेंडिकुलर. अब बात करते हैं 60 को कैसे हम काउंट करेंगे. हम जैसे आप लीजिए आर्म बोन. सबसे पहले तो जो आर्म बोन है उसका नेम होता है ह्यूमरस. तो फर्स्ट हो गई है ह्यूमरस. ह्यूमरस जो होती है वो आर्म बोन है, उनका नंबर कितना होता है, 1 है. जैसे ये शोल्डर में तो ये हो गई ये वाली आर्म बोन, ठीक है. ये बोन 1 ही होती है. और टू हैंड्स की मिला के कितनी हो गई, 2. तो हमने लिख दिया 1 इंटू 2
तो हम कलेक्टिवली लिख देते हैं टू बॉन्ड्स, और हम ये दोनों हैंड्स की मिला के लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ह्यूमरस के बाद में जो हैंड्स में यहाँ पर फिर टू बॉन्ड्स होती हैं, यानी एल्बो के बिलो टू बॉन्ड्स होती हैं, जिसका नेम होता है रेडियस और एक बॉन्ड होती है उसके बाद अल्ना। तो दोनों का भी कितना हो गया है टू नंबर, ठीक है। वन हैंड में वन, ईच जो है ईच हैंड में वन वन ही इनका नंबर होता है। देन आ जाते हैं हम रिस्ट बॉन्ड, इसके बाद में यहाँ पे रिस्ट प्रेजेंट होती है हैंड में, रिस्ट में जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है वो होती है एट, और उसे हम कहते हैं कार्पल। ये मैं ऊपर लिख देती हूँ अगर विजिबल नहीं है तो, कार्पल्स यानी रिस्ट बॉन्ड, इसका जो नंबर एक हैंड में एट होता है, यानी इस तरह से ये एट बॉन्ड्स अटैच रहती हैं अपर साइड एंड लोअर साइड। तो अगर एक हैंड में इसका नंबर एट है तो बोथ हैंड्स में हो गया 16, तो कार्पल है आप याद रखना रिस्ट बोन होती है। फिर कार्पल के बाद में आएंगी, जैसे मान लीजिए ये हैंड है इस तरह से, तो यहाँ पर तो ये हो गई है कार्पल, और इस तरह से अब ये जो बोन प्रेजेंट होगी दे आर कॉल्ड मेटा कार्पल्स, ठीक है। तो मेटा कार्पल्स का नंबर जो है, फिंगर कितनी होती है 5, तो दोनों हैंड में मिला के कितनी हो गई है, देखिए एक तो हो गई है ये जो पाम बॉन्स, इसे हम कहेंगे पाम, ये जो मेटा कार्पल्स है ये पाम बॉन्स हैं, और इनका नंबर एक हैंड में 5 होता है तो बोथ हैंड्स में मिला के हो गया 10। फिर इसके बाद में फिंगर्स, आपने फिंगर्स में देखा होगा इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। 4 फिंगर्स में तो इसका जो नंबर होता है वो 3 होता है, जो मेटाकार्पल्स के आगे बॉन है फिंगर बॉन्स, जिसे हम कहते हैं फेलेंजिस। और थंब में इसका नंबर 2 होता है। आप जब काउंटिंग करते हो तो इस तरह से आप देखना भी अपने फिंगर पे इस तरह से डिवीजन हो रहा है कि 1 2 3 1 2 3, रिमेनिंग जो 4 फिंगर्स हैं उनमें तो 3 और थंब में 2 होता है ये पार्टीशन। तो यहाँ पर भी ये बॉन कैसे है, 12 तो ये हो गई है 4 फिंगर्स में और थंब में कितनी हो गई 2, तो वन हैंड में 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14, 14 तो हो गया वन हैंड में फेलेंजिस का नंबर, और दोनों हैंड में मिला के हो गया 28। अगर आप एक काउंट करोगे, देखो दोबारा देखिए, ह्यूमरस, ह्यूमरस कौन सा हो गया, ये जो आर्म बॉन होती हैं ह्यूमरस, ये रफली ड्रॉ कर रही हूँ मैं, देन रेडियस अल्ना, देन कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस। तो ये हो गई 1 2 8 5 14, वन हैंड में हो गई 30, तो बोथ हैंड्स में मिला के कितनी हो गई है 60, 2 + 2 = 4 + 6, 6 and 16 = 22, 22 and 10, 22 and 10 कितनी हो गई हैं 32 and 32 and 28 60। तो यहाँ पर ये हो गया है 60 बोथ हैंड्स का मिला के, तो ये हो गया 4 लेम्स का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 लेम्स में कितनी बॉन्स हैं 60। अब बात करते हैं हिंड लेम्स यानी लेग बॉन्स की, तो लेग में भी इसका नंबर कितना होता है 60, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 60 + 60, ये हो गया लिम्ब बॉन्स होगी 120। अब लिम्ब बॉन्स में देखिए, सबसे पहले जो थाई बोन आएगी, ठीक है, थाई बोन को हम कहते हैं फीमर, इट इज़ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, फीमर, फीमर इज थाई बोन। नंबर ऑफ फीमर इन वन हिंड लिम्ब इज 1, तो दोनों लेग्स में मिला के कितना हो गया इसका नंबर 2, ठीक है। फीमर के बाद में फिर आता है नी, तो नी के ऊपर जो है नी कैप होती है, ठीक है, नी कैप को भी काउंट करेंगे हम, उसे हम लास्ट में काउंट करेंगे। पहले हम देखते हैं फिर लेग या फिर नी जो कैप होती है उसे हम बोलते हैं पटेला, तो पटेला वन लेग में 1 हुआ, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है नी, आप नी को देखोगे कैप लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे बोलते हैं पटेला। तो पटेला का नंबर है 1 लेग में 1, तो दोनों लेग्स में मिला के हो गया 2। फिर आफ्टर पटेला लेग बोन आएगी, जैसे हैंड में रेडियस एंड अल्ना इस तरह से हैंड में प्रेजेंट होती है एल्बो के नीचे जो है, तो
यहाँ पर भी क्या होगा, पटेला में भी, पटेला के बाद में जो लैग्स होती हैं उसमें भी टू बोन्स प्रेजेंट है जिसका नेम है टिबिया एंड फीबुला, टिबिया एंड फीबुला। ये जो नेम है आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो दे विल बी फैमिली। टिबिया एंड फीबुला नंबर हो गया 1 in 1 leg, तो दोनों लेग्स में मिला के हो गया 2, ठीक है। फीबुला के बाद में जैसे वहाँ पर हैंड में क्या थी, रिस्ट बोन थी, अब यहाँ पर क्या होगी, एंकल बोन्स आएंगी। तो एंकल का नंबर होता है 7, तो एंकल बोन्स को यहाँ पे बोलते हैं टार्सल। यहाँ पे क्या था, रिस्ट बोन का कार्पल, और यहाँ क्या है, टार्सल। तो नंबर ऑफ टार्सल इज 7 in 1 bone, तो 14 हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 1 1 1 7, तो इसको 2 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों लेग्स का मिला के, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टार्सल इन बोथ लेग्स लेग्स इज 14। अब टार्सल के बाद में जैसे यहाँ पे कार्पल्स के बाद में मेटा कार्पल था, तो टार्सल के आफ्टर क्या हो गया, मेटा टार्सल। मेटा टार्सल जो फुट बोन्स है, यानी जो टोस से जो बिहाइंड जो पार्ट है, ठीक है, फुट, उसके ये जो बोन्स है मेटा टार्सल। यहाँ पे कितना था नंबर, 10, तो टो का भी नंबर कितना होता है, मिला के 10 होता है, तो मेटा टार्सल का भी नंबर हो गया 10, और दोनों लेग्स में मिला के हो गया 20। अब लास्ट आ गया, जैसे यहाँ पे फिलेंजेस था, तो यहाँ पे भी क्या है, फिलेंजेस, नंबर ऑफ फिलेंजेस ये तो हो गया मेटाटार्सल, इस तरह से ये फुट का डिजाइन है, थंब में जो टो है इसमें, इसमें 2 3 3 3 3, तो 1 जो फुट में कितनी हो गई है फेलेंजेस, 14, यहाँ मैंने लिखा है 14, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा, यहाँ लिख देती हूँ मैं 14, और दोनों लेग्स में मिला के कितनी हो गई हैं, 28। तो आप इसे काउंट कर सकते हो, देखो, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेस एंड फेलेंजेस, ठीक है, 28। तो फीमर हो गई 2, पटेला 2, टिबिया 2, 2 2 4 2 6 2 8 8 7 15 15 20, 15 and 20 कितना हो गया, 35 and 35, जस्ट अ मिनट, वॉट इज़ गोइंग ऑन, 2 2 plus 4 2 6 2 8, 8 and 14 हो गया, सॉरी 28, 28 and 10, 28 and 20। ये मेटा टार्सल का मैंने यहाँ पे नंबर 20 कर दिया, जबकि एक लेग में तो 5 ही होती हैं, और 5 into 2 तो वो हो जाएगा टोटल 10। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, तो अब इसे काउंट कर लीजिए, देखिए 2 फीवर, 2 पटेला, 2 टिबिया, 2 फीबुला, 14 टार्सल्स, 10 मेटा टार्सल्स एंड 28 फिलेंजेस। तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 and 14 22, 22 and 32 and 32 and 28 60। तो यहाँ पे हिंड लिम्स का भी कितना आ गया है नंबर 60, तो 60 plus 60 हो गए हैं लिम बोन्स 120। अब बात करते हैं कि ये जो एक्जियल जो पार्ट है उससे ये कनेक्ट रहते हैं, जैसे अभी डिस्कस किया कि ये जो एक्जियल, ये जो बोन्स है 1 2 3 4, ये एक्जियल से जो एसोसिएट रहेगी विद द हेल्प ऑफ गर्डल्स। तो जो हिंड लिम्स हैं वो तो हिप बोन्स से कनेक्ट रहते हैं, एंड फोर लिम्स हैं वो शोल्डर बोन्स से कनेक्ट रहते हैं। इसे इरेज कर देते हैं यहाँ से, शोल्डर बोन इज कॉल्ड एज पेक्टोरल
एंड हिप बोन इज कॉल्ड पेल्विक। ठीक है, इसका नंबर कितना है? 6। देखिए शोल्डर बोन में एक तो होती है कॉलर बोन, ठीक है, ये क्या हो गई है कॉलर बोन, और एक होता है जो बैक साइड में से ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्कैपुला। ये कॉलर बोन का आप नेम याद रख लीजिए, कॉलर बोन का नेम होता है क्लेविकल। तो टू क्लेविकल हो गई, ठीक है, वन ईच साइड कितनी होती है 1, तो ये हो गया इनका नंबर 1 × 2, और स्कैपुला भी कितने होते हैं 2, यानी 1 1, तो ये हो गया 1 × 2, तो टोटल कितनी हो गई है ये 4, तो पेक्टोरल गर्डल का नंबर कितना है 4। अब बात करते हैं पेल्विक, देखिए पेल्विक जो बोन है जिसे हम हिप बोन भी कह रहे हैं, उसका जो नंबर है वैसे तो वो 2 है, ठीक है, ईस्ट साइड 1 ईस्ट साइड, तो वो हो गई 2, बट ये जो हिप बोन होती है इट इज मेड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ 3 बोन्स, ये 3 बोन्स से मिलकर बनी होती है, उन 3 बोन्स के आपको नेम याद रखने हैं, इनके जो डायग्राम है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में ही, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरे 206 बोन्स का एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो किस तरह से, ठीक है, आपको ये टिप पर याद रहेगी कि अपेंडिकुलर में कितनी हो गई है 126 बोन्स, ठीक है, 120 लिम्स में और 6 गर्डल्स में। पेल्विक बोन का है इलियम इस्चियम प्यूबिस, इनका नंबर 1 1 होता है, और ये फ्यूज होके ये क्या बन जाती हैं 1 बोन, इलियम इस्चियम प्यूबिस, ठीक है, ईस्ट साइड ये प्रेजेंट होती हैं, और ये पेल्विक गर्डल किस से अटैच होते हैं, हिंड लिम्स, क्लियर। तो यहाँ पे ये तो हो गया अपेंडिकुलर पार्ट कंप्लीट, तो 4 और 2 गर्डल कितने हैं 6, और ये 6 गर्डल किससे अटैच होंगे 120 बोन्स, ये जो है जो गर्डल्स हैं शोल्डर बोन किससे अटैच होगी ह्यूमरस से, और फीमर किससे अटैच होगी हिप बोन से, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है, इन तीनों से कलेक्टिवली ये अटैच होती है। तो ये जो था अपेंडिकुलर स्केलेटन, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्केलेटन सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अपेंडिकुलर एंड अब सेकेंड हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, क्या है एक्सियल स्केलेटन, देखिए एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा स्कल, ठीक है, स्कल जो आता है वो किस में आएगा एक्सियल स्केलेटन में। अब देखिए स्कल में भी 2 पार्ट्स हैं, एक तो होगा जो ब्रेन को कवर कर रहा है, ब्रेन को कवर करने वाला जो ब्रेन बॉक्स है जिसे हम क्या कहते हैं क्रेनियम, एंड फेशियल बोन्स, ठीक है, और फेशियल में जो फेस में जो बोन्स प्रेजेंट है उसे कहते हैं फेशियल बोन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स होती हैं 22, जो एक्सियल स्केलेटन में स्कल में कितनी बोन्स प्रेजेंट है 22, जिसमें क्रेनियम में है 8 एंड फेशियल बोन होगी 14। तो क्रेनियम में कौन कौन सी आएंगी, देखिए क्रेनियम में जो फॉरहेड पर जो बोन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं फ्रंटल, नंबर है इसका 1। देन फ्रंटल के आफ्टर जो पेराइटल, जैसे ये हेड है तो हेड, तो ये जो फॉरहेड वाली होती है ये तो हो गई पेराइटल और फ्रंटल, और पेराइटल जो होती है जिस तरह से ये जो हेमिस्फीयर डिवाइड होते हैं इधर बोथ साइड 1 और 2, अगर इसका हम फ्रंट व्यू देखें, ठीक है, तो ये हो गई है 1 और 2 पेराइटल बोन। फिर फ्रंटल के आफ्टर टेम्पोरल, जो ईयर बोन होती है ईयर के पास में है वो है टेम्पोरल बोन। डायग्राम से आपको ये क्लियर हो जाएगा, अभी हम इसके सिर्फ नेम देख रहे हैं। फ्रंटल जो फॉरहेड बोन है,
पेराइटल जो फोरहेड के बिसाइड जो हो गया पार्ट वो हो गया पेराइटल, वो डिवाइड होता है टेम्पोरल ईयर बोन, और जो हेड जो है उसके बिहाइंड जो हेड का जो बैक पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिपिटल। ऑक्सिपिटल लोब वो होता है वन, और एक होता है पार्ट जो मेडुला जो हमारी वर्टिबल कॉलम है और ब्रेन को यानी क्रेनियम को अटैच कर रहे हैं वो होता है ऑक्सिपिटल कॉन्टाइल। एक बार हम पूरा स्केलेटन बना लेंगे तो उसमें ये सारी बोन्स को देखेंगे, तो कितना हो गया देखिए वन एंड टू थ्री टेम्पोरल ईयर बोन्स होती हैं, तो ईयर कितने हैं टू, तो टेम्पोरल बोन्स भी कितनी हो गई टू, तो टू एंड वन थ्री टू फाइव वन सिक्स एंड वन सेवन, ठीक है। तो वन वन तो ऑक्सीपिटल है यहाँ पर, फ्रंटल वन थ्री टू फाइव सिक्स सेवन, तो एक होती है यहाँ पे इथिमोइड बोन। देखिए इथिमोइड बोन कौन सी है, इथमोइड नहीं उसका नेम है सॉरी स्फीनॉइड, और एक बोन होती है स्फीनॉइड। जो स्फीनॉइड क्या करती है फ्रंटल और जो टेम्पोरल जो है फ्रंटल यानी फोरहेड और जो साइड में है टेम्पोरल यानी ईयर बोन उनके बिटवीन एक बोन होती है जिसका नेम है स्फीनॉइड। ये वन साइड ही प्रेजेंट है तो ये हो गई है टोटल एट, फ्रंटल वन पेराइटल डिवाइडेड इंटू टू टेम्पोरल ईयर बोन तो ये हो गया टू, ऑक्सिपिटल लोब जो बैक साइड आप देखोगे तो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है वो होता है ऑक्सिपिटल लोब। यानी हेड जो होता है आप देखोगे बैक साइड से थोड़ा कर्व होता है, तो कर्व जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिपिटल लोब, तो वो कितने हैं वन। ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल ये जो ब्रेन जो है यानी क्रेनियम है ये अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम से, तो वो है ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल। कॉन्डाइल इज टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसे कह सकते हैं कि ये ब्रेन की क्रीनियम की टेल होती है, तो इसका भी नंबर है वन। एंड स्फीनॉइड लॉब इज स्फीनॉइड बोन इज वन इन नंबर, टू वन थ्री टू फाइव सिक्स सेवन एट, तो क्रीनियम की कितनी हो गई है एट बोन्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फेशियल बोन्स की, अभी यहाँ पर नहीं तो वीडियो और लेंदी हो जाएगा, आप इतनी बोन्स लर्न कर लीजिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग बॉस। थैंक यू।